Welcome back students, good morning once again, and today we will be starting our new chapter, that is chapter number 8, human health and disease. Dekhiye beta, health and disease, the most interesting topic of today's era. आज की दुनिया को देखेंगे बेटा तो हर कोई जो है वो एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए हर एफर्ट करने को तैयार है. मीन्स देर आर सर्टेन फिटनेस फ्रीक्स जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लाखों में मतलब महीने का या साल का खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं. मतलब दो तरह के इंसान होते हैं बेटा. एक तो वो जो जानवर की तरह जो सामने आ गया खा लिया, जानवर वाली जिंदगी जी रही. मीन्स दे डोंट हैव एनी मोटो इन देयर लाइफ्स एंड दे डोंट नो इन विच डायरेक्शन दे हैव टू टेक देयर लाइफ्स. एंड देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करते हैं, उनके हर एक्शन के पीछे कोई रीज़न होता है. ठीक है, तो हेल्थ आज के जो मतलब अवेयर्ड पीपल हैं उनकी लाइफ का एक अहम मुद्दा है. एंड जैसे जैसे हम कोरोना जैसे डिजीज़ को कोविड जैसे डिजीज़ के से गो थ्रू हो रहे हैं, उनको देखने के बाद लगता भी है कि हेल्थ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी का. ठीक है, ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी का बल्कि हमारी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, स्कीम्स आती हैं, उन सभी पे भी हेल्थ और हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ सेक्टर का काफ़ी इम्पैक्ट होना चाहिए. तो इसको एक सेंट्रलाइज्ड मतलब एक सेंटर ऑफ अटेंशन का पार्ट बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आज बात करेंगे बेटा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में. हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम एंशियंट एजेस से कि पुराने टाइम में हेल्थ को क्या समझा गया, उसके बाद किसने क्या चीज़ डिस्कवर की जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बदला. तो आइए शुरू करते हैं बेटा. पुराना एंशियंट थॉट वॉज डैट इट इज़ अ स्टेट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड. ये एक कंडीशन है बॉडी और माइंड की जिसमें कि जो कि कुछ ह्यूमर्स के बैलेंसिंग की वजह से अटेन की जाती है. अब बेटा सोचने वाली बात है कि ये ह्यूमर्स है क्या, तो इट इज़ केमिकल. ठीक है, ये केमिकल मतलब बोला गया कि बॉडी और माइंड की एक स्टेट है, एक कंडीशनिंग है जिसमें कि बैलेंस जब जब शरीर में केमिकल्स का बैलेंस होता है तो ये अटेन की जाती है. काफ़ी हद तक ठीक भी था लेकिन काफ़ी इसमें दुविधाएं भी थी जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये तो ठीक है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, वेलबींग की स्टेट है, लेकिन बैलेंसिंग बाय सर्टेन ह्यूमंस ह्यूमर्स क्या ये सही था, आगे देखते हैं. हिपोक्रेट्स एंड IAS, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला IAS नहीं है, इट इज़ इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम. हिपोक्रेट्स जो है वो ग्रीक से थे. ठीक है, और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि जो इंसान जिन इंसान में ब्लैक बाइल है, ये ब्लैक बाइल जो है बेटा ये एग्जाम्पल दिया गया है ह्यूमर का. ठीक है, जो केमिकल की बात हो रही है, कुछ लोगों में ब्लैक बाइल है और ऐसे लोग जिनमें ब्लैक बाइल मौजूद है ये हॉट पर्सनैलिटी के होंगे और इनमें बार बार फीवर आएगा. तो बेटा ब्लैक बाइल क्या है, काला पित्त. ठीक है, जैसे डाइसेक्शन वगैरह होते थे तो उस टाइम पे ये चीज बोली गई कि जिन इंसानों में ब्लैक बाइल देखा जाएगा वो हॉट पर्सनैलिटी के होंगे और उन लोगों में फीवर्स आने की या बीमार होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी. लेकिन ये कॉन्सेप्ट जुटलाया गया, ये इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया किसने, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने. इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये दिखाया कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है. ठीक है, देयर इज नो ब्लैक पिट, नो वाइट पिट, नथिंग लाइक दैट. देयर इज ब्लड सर्कुलेटिंग इनसाइड द बॉडी और ये सभी में एक जैसा है. ये किसने बताया बेटा, ये विलियम हार्वे ने बताया. और इस कॉन्सेप्ट को भी किसने फॉल्सिफाई साबित किया, फॉल्सिफाई किया, इन्होंने जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल देखने को मिल रहा था. बेटा बाइल इन एक्चुअल ना गॉल ब्लैडर से बनता है. ठीक है, तो ये ब्लैक बाइल जो है ये एक कंडीशन है जिसमें कि बाइल का कलर ब्लैक होता है. ब्लैक बाइल जो है जिन लोगों में ब्लैक बाइल था उन लोगों के बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से विलियम हार्वे ने लिया, ऑब्जर्व किया और नोट डाउन किया और बताया कि जो ये ऊपर आप लोग कॉन्सेप्ट बनाए हुए हो ना ये गलत है. ठीक है, ब्लैक बाइल होना इंसान के अंदर जरूरी नहीं है कि उसको फीवर होगा या उसकी बॉडी में डिजीज क्रॉस करेगा. फिर आता है बेटा हेल्थ.
हेल्थ है क्या? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ है बेटा जब आप फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से और सोशली यानी कि समाजवादी सामाजिक तौर पे वेल हो, अच्छे हो। ठीक है, काफ़ी वीक सी डेफिनेशन है लेकिन इस डेफिनेशन का ना बड़ा बड़ा अहम रोल है। सपोज अगर मैं आपको परेशान कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको मेंटल टॉर्चर कर रखा है, तो मेरे ऊपर आपके जो है आपको मतलब अनहेल्दी करने का केस दर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान की हेल्थ को अगर आप हैम्पर करने की कोशिश करते हो, किसी भी पर्सन की हेल्थ को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, तो इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, और ये ऑफेंसिव है और इसके लिए हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में क्या है मौजूद, पनिशमेंट्स लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा सोशल वेलबींग का मतलब क्या हुआ बेटा? कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स क्या है? वो सोशल एनिमल है, ग्रुप में रहते हैं, सामाजिक पशु है इंसान। अगर आप अपने सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो तो भी बेटा हो सकता है कि आप हेल्दी ना हो। ठीक है, यानी कि आप जब जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जब आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट ना कर पा रहे हो, लोगों के साथ एम्पैथी और सिंपैथी ना दिखा पा रहे हो, तो वो भी एक टर्म हो सकती है ऑब्जर्वेशन की हेल्थ के अंदर। ठीक है, इसीलिए साइकेट्रिस्ट का एक अहम रोल होता है आपको ये डिफाइन करवाने के लिए कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। किस तौर पे? मेंटली तौर पे। मेंटली तौर पे हेल्दी हो नहीं हो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा आपके सोशल लाइफ पे। ठीक, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। आपकी लाइफ में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्दी या अनहेल्दी टर्म करवा सकते हैं? पहला बेटा जेनेटिक मेकअप, द जीन्स यू आर मेड अप ऑफ कोर्स डीएनए। ठीक है, अगर आपने जो डीएनए इनहेरिट किया है या आपके अंदर जो डीएनए मौजूद है, कॉपिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अगर वही डिफेक्टिव है तो बेटा आपकी बॉडी को हेल्दी हो पाना एक तरह से नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्या है? किसी बाहर के पैथोजन का, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर इन्फेस्ट कर सकता है, उसमें उसको हैम्पर कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, या उसमें से अपना खाना ले रहा है सामने वाले की बॉडी को डिस्टर्ब करके, वो पैथोजन्स कहलाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन्स कहलाते हैं और इसमें वेरियस कैटेगरीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, हेलमेंथीज हैं, निमेटोड्स हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि आप क्या बता रही थी मैं, पैथोजेंस की कैटेगरी में बोल सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इन्फेक्शंस हैं क्या। इन्फेक्शंस हैं बेटा ऐसी कंडीशंस जिसमें कि बॉडी पे कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, बॉडी के अंदर होस्ट, बॉडी वर्क कर रही है एज अ होस्ट सामने वाले ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अंदर या ऊपर है उसको अपने अंदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, करवा रही है, और रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है, उसका कोई ना कोई सिस्टम डैमेज हो रहा है, उसकी बॉडी की कंडीशन खराब हो रही है। ठीक है, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शंस एंड देर आर टू काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, वी विल टॉक अबाउट देम फर्दर। देन कम्स द लाइफस्टाइल। बेटा मान लो आप सोते ही रात हो, 2 बजे हो, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, 4-5 बजे, 2 घंटे ही नींद ले रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके अंदर बीमारियाँ आएंगी। हाउ विल यू कॉल योर सेल्फ हेल्दी? और ऐसे क्यों? आपकी हर एक्शन का बेटा एक जो है ना इफेक्ट पड़ता है आपकी शरीर की कंडीशनिंग पे, शरीर की वर्किंग पे। देखो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं, अच्छा चलो इंसान को छोड़ो, मैं एनिमल का एग्जांपल देती हूँ आपको, बफेलोज है। बफेलोज पे बेटा रिसर्च की गई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जिन बफेलोज को ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर में रखा जाता है ना, उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी या मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी रिड्यूस कर जाती है, और जिन बफेलोज को प्रॉपर डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग अंधेरा और लाइट, मतलब लाइट एक्सपोजर कंट्रोल किया जाता है जिसका, वो बफेलोज जो हैं वो दूध से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये मतलब एक थॉट उठा साइंटिस्ट और लोगों के बीच में, मिल्किंग कम्युनिटी के बीच में, कि रात को जो हम लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं ना एनिमल वाले एरिया की, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और उनको भी ये मतलब
ऐसा माहौल देना चाहिए जैसे रात को होता है, अंधेरा, डार्कनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह ह्यूमन बींग्स है बेटा, रात होती है, रात जैसे जैसे मतलब इंसान के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसके बारे में मैं हर क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इंसान के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है। बॉडी को पता है कि उसको इतनी देर के लिए सोना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक बेटा आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। अगर आप ढीठ ही इतने हो कि आप उठ ही नहीं रहे हो, देन डेट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी को अवेयरनेस ये लगती कैसे है? जब इंसान सोता है तो बेटा कुछ अलग कैटेगरी के, कुछ अलग स्पेशल केमिकल्स या हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी को रिलैक्स करने का, सूद करने का टाइम काम करते हैं, ठीक है। और जैसे यही रीज़न है कि आप सो के उठते हो तो आप रिफ्रेश्ड फील करते हो, ठीक है। कुछ और काम करके क्यों नहीं रिफ्रेश फील करते, क्या करते हो रिफ्रेश फील? हाँ नहीं, लेकिन हाँ अगर आप बात करते हो, इफ़ यू टेक अ शॉवर, तो बेटा शावर लेने से भी आपको क्या लगता है, यू फील रिफ्रेश एंड अप, क्योंकि वो कुछ केमिकल्स शावरिंग के टाइम पे भी आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। आप बारिश की बूंदों को जब फील करते हैं तो आप रिफ्रेश महसूस करते हो, या आप कुछ सुंदर देखते हो तो आपके अंदर डोपामाइन और इस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप अच्छा महसूस करते हो या एनर्जाइज महसूस करते हो। तो बेटा बॉडी में ना केमिकल्स का बड़ा अहम रोल है, केमिकल्स के साथ साथ आप कैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हो इसका भी बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। एक इंसान जो खुश रहता है वो कम बीमार पड़ेगा, एक इंसान जो हर टाइम नेगेटिव थॉट्स के साथ रहता है वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा, बिकॉज इट ऑल हैम्पर्स द वे योर बॉडी डील्स विद इट, ठीक है। एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने ब्रह्मा कुमारी इसके उससे सीखा था, ठीक है। देखो हम बाहर के माहौल से कितना ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कोई किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया, या चलो हमारे को हम इन्वॉल्व ही नहीं है, दो बंदों को हमने लड़ते मारपीट करते देख लिया, उस चीज़ का असर जाता है हमारे दिमाग पे, आप थोड़ा स्ट्रेस फील करोगे, दिमाग में भारीपन आ जाएगा, ठीक है। किसी के घर में चोरी हो गई, किसी प्यारे इंसान के घर में चोरी हो गई, आपको पता लगता है यू फील डिप्रेस्ड, यू फील नेगेटिविटी अराउंड यू, ठीक है। तो देखो बेटा बाहर की चीज़ों का इतना असर पड़ता है इंसान के अंदर, जो अंदर हमने इन्वायरमेंट कोज किया उसका क्या असर नहीं पड़ेगा आपके दिमाग पे, उसका तो और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। यही रीज़न है कि अ पर्सन शैल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वर्क फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज इफ़ यू योर सेल्फ विल बी सेटल्ड, आप अगर अपने आप में हेल्दी होगे तो आप एक हेल्दी सोसाइटी को जनरेट कर पाओगे, अगर आप खुद खुश हैं तो आप आसपास के लोगों में खुशियाँ बांट पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिजीज। डिजीज क्या है बेटा? अब देखो जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाए, इस हद तक कि जो टारगेट है उस ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का वो अचीव ना हो पाए, या उसमें उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाए, तो वो क्या किसकी कैटेगरी में आएगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो डिजीज़ कहलाएगी। अच्छा, जब ये गड़बड़ियाँ होंगी बेटा तो शरीर कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करेगा, यानी कि बॉडी कुछ ना इशारे देगी, कुछ संकेत देगी, और यही हमें हेल्प करते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि इंसान हेल्दी है या नहीं है, वेदर द पर्सन इज हेल्दी और ही इज नॉट हेल्दी, ठीक है। अब ये जो डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस भी दो तरह की हैं बेटा, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जो कि एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती हैं, ठीक है, या और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको कॉज करने के लिए। यहाँ जनरली क्या बताया था मैंने, पैथोजेंस होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर हम बात करें तो बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा देखने में पता लगता है कि जो एड्स है वो सबसे ज़्यादा मोरलिटी रेट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शियस की कैटेगरी में, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में कैंसर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा डेथ नॉन के इन्फेक्शियस कैटेगरी में कैंसर की वजह से होती है, और इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से एड्स में होती है, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं करते हैं ख़त्म, और कल दोबारा मिलते हैं, इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ पैथोजेनिक डिजीजेज हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का मेन टारगेट रहेगा पैथोजेंस का,
and then we will be talking about imminent. Okay, thank you.